अभी अभी कटरिया में अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा समाप्त हुई है, अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लिए वो हेलीपैड की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी उन्होंने खास तौर पे यहाँ की जो सभा की है वो बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के नारद राय और फेफना विधानसभा क्षेत्र के संग्राम सिंह यादव के पक्ष में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित की है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है इस बार मन बना चुकी है और योगी सरकार नहीं बल्कि अब अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में होगी। तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने विपक्षी की भूमिका में खास तौर पे उन्होंने ये उत्तर प्रदेश के लोगों से दावा किया कि आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बना दो, हम बलिया में विकास की गंगा बहा देंगे, बाईपास बनवा देंगे, तमाम जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिलवा देंगे, भर्ती पे भी उन्होंने बोला, तमाम चीज़ों बोले थे। देखिए नारद राय जा रहे हैं वो सामने और ये भीड़ भी अब निकल ले क्योंकि अब हेलीकॉप्टर जो है उनका अब यहाँ से अब आसमान की तरफ जाने वाला। देखिए राजू राय भी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए राजू राय से बात करें, क्या लगा सर आज की सभा क्या रही, कितनी भीड़ रही? आज के भीड़ पूर्ण बहुमत के ऊपर के जितने आंकड़े होंगे उसकी शुरुआत है, भारतीय जनता पार्टी की सफाई है। छठवें चरण में जो चुनाव होने जा रहा है 3 मार्च को, कितने सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी को? छठवें चरण तक हम लोग बहुमत प्राप्त कर लिए हैं, छठवें और सातवें चरण जो होगा बहुमत से ऊपर का आंकड़ा होगा। कितने सीटें का दावा है आपका? आदरणीय अखिलेश जी एक साल से बोल रहे हैं 400 सीट आप लोग मान नहीं रहे थे, अब तो मान जाओ, 3 ही सीट आप देंगे ना, लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है ना। तो मतलब आपका दावा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की जो सरकार बनेगी 400 सीट वाली बनेगी? 400 सीट वाली सरकार बन रही है, ऐतिहासिक सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार और ऐतिहासिक कार्य भी होंगे। आज की भीड़ का अनुमान क्या है आपकी? आप तो स्वयं साक्षी हैं, इतनी बड़ी भीड़ तो मोदी जी की सभा में भी नहीं थी। बनारस में जाइए कुर्सियां खाली रह रही है, अभी तांता लगा हुआ था, प्रशासन ने गाड़ियां रोक रखी थी, आज त्यौहार है उसकी वजह से शहर से गाड़ियां नहीं आ पाई, इसके बावजूद जहां तक देखे भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी, ये अपने आप में एक आगाज है। चलिए राजू राय से बात हुई, उन्होंने कहा कि पर अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, परिणाम 10 मार्च को आएगा। आप हम बात करते हैं, देखिए आप ये जो सभा स्थल है, ये तमाम भीड़ यहाँ कटरिया में आप देख रहे हैं, ये मंच है, ये दर्शक दीर्घा जो श्रोता के वो भीड़ देख रहे हैं, तमाम भीड़ ये तमाम और ये आज जो भीड़ उमड़ी है खास तौर पे ये आप जन सलाम उमड़ा है। देखिए एक आदमी के लेंगे सबका लेना पड़ेगा, इसलिए प्लीज आप लोग पीछे रहिए, सबका आएगा। तो आप देखिए ये सेना आज अखिलेश यादव के सम्मान में ये पूरे मैदान में लोग हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही, आज का मेरा संदेश, नमस्कार।